जमाना ना बोले, ताकि मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले मैं 10th और 12th के लिए VVIP क्वेश्चन डालूँगा, विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर मैं एक वीडियो आज डालना चाहता हूँ जो मैट्रिक से रिलेटेड है, जो मैं पहले भी 3-4 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो कुछ कमेंट बॉक्स में आया है कि भैया और वीडियो डालिए, तो मैं आज जोड़ घटा गुना भाग सभी इस पर मैट्रिक्स के आधार पर बताऊँगा। तो आइए देखते हैं कैसे गुना बनता है, कैसे भाग बनता है, कैसे जोड़ बनता है। तो देखिए जोड़, सबसे पहले मैं जोड़ बताना चाहता हूँ। तो देखिए जोड़ कैसे बनता है। तो रो को कॉलम के साथ जोड़ते हैं, कॉलम को रो के साथ जोड़ते हैं। फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, इसको इंडिकेट करते हैं C1 C2 R1 R2 से। तो इसके साथ इसको जोड़ना है, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम के साथ फर्स्ट कॉलम को, सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम को। अगर कोई बाई चांस पूछ देवे गांव में कि कितना बाई कितना ऑर्डर का ही है, तो हिचकिचाना नहीं है, बसरते इसको गिन देना है कि 2 रो है 2 कॉलम है, तो बस 2×2 कर देना है, बस कर देना है कि 2×2 के। तो देखिए जोड़ कैसे बनता है, घटाव कैसे बनता है, तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो के साथ जोड़ना है तो 4×2 6, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के साथ सेकंड एलिमेंट, 3×1 4, 4×2 6 और प्लस 1×3 4। देखिए ये हमारा बन गया यार। अब हमें सबट्रैक्ट बनाना है, तो देखना है यहाँ एलिमेंट में 6 है, यहाँ एलिमेंट में 5 है, तो 6 में से 5 गया था एक, 3 में से 4 गया -1, 2 में से 3 गया -1, 1 में से 4 गया -3। ये बन गया सबट्रैक्ट। अब अगला अब पूछिएगा कि गुना कैसे बनेगा, तो मैं गुना करके भी बताता हूँ। 4×2 8 प्लस 34 12, 4 से 4 एक में गुना कर 4 और 3 3 9, 2×2 4 4 2 3, ये हमारा बन गया गुना। अब कोई पूछ सकता है कि इतना ही छोड़ सकते हैं, नहीं, ये तो अभी कॉलम बाय कॉलम है, हम एलिमेंट को अलग अलग किए हैं, अब इसके आगे जो प्रक्रिया होता है वो मैं बता रहा हूँ, फिर रो के